यह है काली मकवाई, अपने आश्रम के अंदर ही है। और ये देखिए इस पे ये दाने लगे हैं काले काले से। ये बहुत काम की चीज़ है दर्शकों। जो है जिस स्त्री पुरुष के पेट में जो है लीवर पे जो है सूजन हो, पेट साफ नहीं हो रहा हो, कब्ज की शिकायत हो, ना बहन जी ये लीवर जी के लिए भी अंदर के पूरे शरीर में लोगों के सूजन आ जाती है, बहुत लगा है। हाँ, कितना माल पानी लगा हुआ है, ये कितने हैं ये। तो ये जो है, हाँ ये खा लीजिए, डालो मुँह में ऐसे जी, टेस्टी बहुत बढ़िया। हाँ, तो इसका पूरा पंचांग जो होता है, पत्ते हैं, टहनी है, जड़ है, सब साफ सुथरा करके, और फल हैं, इसके फल भी जो हैं अंदर की सूजन को दूर करते हैं। अच्छा, ये गिलोय है क्या? हाँ, ये इसके अंदर गिलोय है लगी हुई। हाँ, गिलोय की भी बेल है इसके अंदर, है वो दब गई है थोड़ा ये। हाँ, अच्छा, ये हाथों की सूजन को कम करता है सब। हाँ, सब पूरे पेट के सूजन के लिए दूर करता है। लकड़ी का एक खंभा से गाड़ दिया। हाँ, उसको गिलोय को चढ़ा दी। ये गुरुजी कब्ज के लिए भी अच्छा करेंगे जी। बिल्कुल, कब्ज के लिए तो है। आप खा लो, तब तक 10 पीस खा लो ना, वो उधर है, वो देख तो रही है। देखिए ना, आप खाइए। हाँ, आपके लिए तो है ऐसे ही, देखिए ये है। तो ये बहुत सारे मैं दर्शकों से कहना चाहूँगा, इसका लाभ उठाइए। किसी भी माता बहन के अगर बच्चा पैदा हुआ है, उसके बाद में लोग इसका काढ़ा बना के भी पीते हैं। अगर फल नहीं है, काली मकोए कहते हैं, काले रंग का इसका लगभग पत्ता है, और गांवों में बहुत होती है, जंगलों में ज़्यादा होती है, खेतों में होता है, तो इसका लाभ आप उठा सकते हैं, ठीक है ना। और ये कोई भी जो अंदर में पेट में तड़ियों में इन्फेक्शन होता है, कीड़े होते हैं, उन सबको दूर करता है ये। लोग बड़े बड़े सिरप पीते हैं, लेकिन उन सब की कोई ज़रूरत नहीं है। इसको अगर आप लेंगे तो कब्ज हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा, समय समय पे लेते रहेंगे तो। और पेट में दर्द है, दुखन है, चुभन है, माताओं बहनों के यह पेट भी, बच्चा होने के बाद में पेट थोड़ा बड़ा हो जाता है, ढीला हो जाता है, तो उसको भी ये कस देगा, टाइट कर देगा पेटों के, पेट के लिए, शरीर के अंगों के लिए अपनी जगह स्थापित करने में मदद करेगा। कितने दिन लेना है? 15 दिन ले सकते हैं आप, लेकिन इसकी मात्रा का थोड़ा ध्यान रखें। वो स्त्री या पुरुष की उम्र को ध्यान में रखें और बीमारी को ध्यान में रख करके इसको लेना चाहिए, कोई भी जड़ी बूटी है, चाहे एलोपैथी है, चाहे आयुर्वेदा है, क्योंकि ज़्यादा मात्रा होना भी उचित नहीं होता है, यानी कम से कम इसका। और हाँ, दूसरा, इसका साग बना के खा सकते हैं, जैसे साग खाया जाता है, पालक का साग खाया जाता है, है ना, आलू डाल के भी आप भाजी बना सकते हो इसके जो है। और चाहो तो इनके पत्तों का रस निकाल के हल्का गर्म करके वो भी खाली पेट सुबह को पिया जा सकता है, ऊपर से 1 घंटे तक कुछ खाए पिए नहीं। थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। ओम शांति, ओम क्रांति। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।